नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्टोरी। एग्जाम स्टोरी चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी चिकित्सा स्वास्थ्य में जल्द होगी 261 बीसीजी टेक्नीशियन और टीबी परिदर्शक की भर्तियां। जी हां दोस्तों, तो यूपी में जो भी चिकित्सा स्वास्थ्य में आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 261 बीसीजी टेक्नीशियन और टीबी परिदर्शक की भर्तियां होने वाली है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स चेक इट। तो फ्रेंड, ये जो खबर आई है 15 अक्टूबर 2020 को, बिल्कुल लेटेस्ट खबर है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में समूह ग के बीसीजी टेक्नीशियन एवं टीबी स्वास्थ्य परिदर्शक के 261 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। इसके लिए दोनों पदों की रिक्तियों को सारा विवरण एकत्र किया जा रहा है। मसलन दोनों पदों की स्वीकृति पद कितने हैं, कितने कार्यरत हैं तथा कुल कितने रिक्त हैं। फिलहाल विभाग के पास अब तक जितने रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध है उस पर नियुक्ति की कवायद शुरू करने की तैयारी है। इसके अलावा पुनोत्तरी में भरे जाने वाली बीसीजी टीम लीडर के पदों का भी विवरण जुटाया जा रहा है ताकि पदोन्नति के खाली पदों को पदोन्नत कमेटी की बैठक कराकर उसे शीघ्र भरा जाए, ताकि प्रोन्नति के रिक्त हुई सीधी भर्ती के पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। उत्तर प्रदेश टीबी कंट्रोल इम्प्लाइज एसोसिएशन का अध्यक्ष आर के वर्मा की माने तो पदोन्नति से बीसीजी टीम लीडर के रिक्त पदों को भर दिए जाने की बात सीधी भर्ती वाले बीसीजी टेक्नीशियन एवं टीबी स्वास्थ्य परिदर्शक के खाली पदों की संख्या और बढ़ जाएगी। इस प्रकार से सीधी भर्ती के वर्तमान रिक्त पदों की संख्या 261 में कहीं अधिक वृद्धि हो जाएगी और कहीं ज़्यादा युवाओं को नौकरी मिल सके। बकौल आर के वर्मा, नियमित रिक्त पदों पर भर्ती कर बीसीजी स्तंभ को मजबूत किए जाने की जरूरत है और जिला कार्यालय समन्वय डीपीसी के पद नियमित संवर्ग के लाकर समन्वय एवं पर्यवेक्षक के कार्य बीसीजी टीम लीडर से कराए जाएंगे। इससे सरकार के खर्चों की भी बचत होगी। तो देखिए, बीसीजी टेक्नीशियन की जो स्वीकृत है 291 कार्यरत है, 63 रिक्त है, 228। वहीं बीसीजी स्वास्थ्य परिदर्शक की बात करते हैं तो स्वीकृत 126 है, कार्यरत 93 कर रहे हैं, यानी 33 के जो है पद रिक्त हैं। वैसे बीसीजी टीम लीडर की बात करें तो 49 स्वीकृति है जिसमें कार्यरत है 41 और रिक्त 8 हैं। शैक्षणिक योग्यता जो आपका रहने वाला है, इसमें इंटरमीडिएट या साइंस में बीसीजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा या चयन या नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूं तो आपको शैक्षणिक एलिजिबिलिटी पता चल गया है, इंटरमीडिएट साइंस से होना चाहिए और बीसीजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अब नियुक्ति या सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी उसमें महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य उत्तर प्रदेश इसकी नियुक्ति पदाधिकारी होंगे। वेतन जो आपको मिलेगा 5200 से 20200, ग्रेड पे 2400 रुपये के अकॉर्डिंग मिलेगा। डॉक्टर डीएस नेगी, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश ने कहा, सभी अनुभागों से रिक्तियों की जानकारी एकत्र की जा रही है, सारी सूचनाएं एकत्र हो जाने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, ये रहा ओवरऑल न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।